नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है। इसको लेकर भोपाल में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज ने बताया कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने सिर्फ बातचीत का आश्वासन दिया है, मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। राहुल ने कहा, पीएम मोदी देश विदेश के हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन पर बात नहीं करते, इसलिए मजबूरन हमें रेल रोकनी पड़ रही है। किसान नेता ने कृषि मंत्री की सद्बुद्धि के लिए उपवास रखने की बात भी कही है। साथ ही कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कांग्रेस के नेता किसान नेताओं को लेकर भी मतलब की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस के खिलाफ भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं और जब तक समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बनता है, तब तक हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, चाहे जितने दिन बैठना पड़े। मैं शिवजी से आराधना करूंगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके रुद्राष्ट्र का पाठ करूंगा, ताकि हमारे कृषि मंत्री जी को सद्बुद्धि जो स्थिति है उससे कांग्रेस बाज आए और हमारे सीनियर लीडर्स पे ऊंची टिप्पणी करने से बाज आए, क्योंकि इस आंदोलन से आपका कोई लेना देना नहीं। आपने समर्थन मूल्य के लिए कोई बात नहीं करी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी, और आज जब आंदोलन खड़ा हो गया है तो पीछे से आके हमारे आंदोलन को बदनाम करने की बात करते हैं कि समर्थन मूल्य की खरीदी होनी चाहिए। ये बात तब लोकसभा में क्यों नहीं कहते थे जब आप सरकार में थे? समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर उस समय लागू कर दी होती तो आज ये दिन इस देश के किसानों को देखना नहीं।